महिलाओं के लिए खतरनाक देशों में नंबर वन क्यों है भारत? द थॉमसन रिट्यूर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वे में भारत में महिलाओं को लेकर शर्मनाक खुलासा किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में भारत नंबर वन पर है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार यहां रोजाना 100 से भी ज्यादा सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस दर्ज होते हैं। इसके अलावा कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और महिलाओं की बढ़ती तस्करी अन्य दो वजह हैं। हालांकि सरकार और महिला आयोग ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अगर अखबारों और मनोहर कहानियां जैसी पत्रिकाओं पर नजर डालें तो ये रिपोर्ट सच्ची साबित होती है। वैसे इस रिपोर्ट को नकारने के बजाय इस स्थिति के लिए जिम्मेदार वजहों को तलाश करना अधिक जवाबदेही वाला कदम होगा। क्या हमारे देश में व्याप्त आर्थिक अस्थिरता और रोजगार में स्थायित्व तो न होना भी इसके लिए जिम्मेदार कारण हो सकता है? कंस्ट्रक्शन साइट पर महिला मजदूर रेजा से ठेकेदार या मालिक द्वारा किए जाने वाले शोषण को हम कैसे भूल सकते हैं? दिहाड़ी से निकाल देने की धमकी से ही तो होता है वो शोषण। क्या ये स्थितियाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर ही होती हैं? निजी कंपनियों के बॉस, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, ये सभी उन कर्मियों का शोषण करते हैं जिनकी नौकरी स्थायी नहीं होती। अस्थायी कर्मी अगर महिला है तो असुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा इन ताजा खबरों पर नजर डालें। ये समाचार अधिक पुराने नहीं है, लेकिन इनकी सामग्री बहुत पुरानी है, या यूं कहें कि खबरें नई नहीं है। ये उस सरकारी क्षेत्र की खबरें हैं जिसे भारत की संस्कृति को संजोने वाला माना जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन ऐसे सांस्कृतिक मंच हैं जिसका ग्लैमर युवाओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें काम करने वाले आर्टिस्ट कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी प्रकृति के होते हैं। हालांकि अस्थायी को कुछ समय बाद स्थायी करने का नियम और नीति भी है, लेकिन जिनके पास स्थायी करने का अधिकार है वे इन कर्मियों को स्थायी नहीं करना चाहते। अस्थायित्व की तलवार वो हथियार है जिससे हर जरूरतमंद का आसानी से शोषण किया जा सकता है। यहाँ भी दिहाड़ी पर काम पर लेने या नहीं लेने का डर दिखाकर बरसों से शोषण अत्याचार जारी है। इन संस्थानों का ये माहौल देखकर कुछ महिलाएं तो छोड़कर चल देती हैं और कुछ अपनी नियति मानकर शिकार होती रहती हैं। इनमें से जो इनका विरोध करती हैं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। बहुत कम ही मामले हैं जो इस तरह सामने आ पाते हैं या जिनमें पुलिस तक बात पहुंच पाती है। देखा जाए तो रोजगार की प्रकृति जितनी अस्थायी होगी, शोषण उत्पीड़न की संभावना उतनी अधिक होगी। इस लिहाज से देखें तो वर्तमान भारत में जितने भी रोजगार के क्षेत्र हैं, उनमें स्थायी पद लगातार घटाए जा रहे हैं। जो हैं, उनमें नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। जिनमें नियुक्तियां हो गई हैं, उनमें स्थायित्व या नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। परिणामतः इन विभागों में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सचमुच ये क्षेत्र सुरक्षित प्रतीत नहीं होते।